कानपुर समेत यूपी में रात और सुबह ठंड होने लगी है, लेकिन दिन में तापमान अभी भी काफी गर्म है, जबकि दो दिन में पारा 25 डिग्री से कम हो जाना चाहिए, लेकिन पारा 30 से 32 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में ठंड का मौसम इस बार देर से शुरू होगा, लेकिन मार्च तक आगे लंबा भी चलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में सितरंग चक्रवात सक्रिय होने से उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलना रुक गया है। इसकी वजह से हवा में नमी का असर कम हो रहा है। ऐसे में दिन में तापमान 32 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं ठंड पर इस बार नालीना का असर रहेगा। कानपुर यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे के मुताबिक जब दिन का पारा 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना शुरू हो जाता है तब जाकर ठंड का दिन माना जाता है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा और दिन का पारा स्थिर बना हुआ है। वहीं नवंबर के पहले सप्ताह में थोड़ी बहुत स्थितियां बदलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि इस बार मार्च के आखिरी सप्ताह तक ठंड पड़ सकती है। वहीं ला नीना की स्थिति तब बनती है जब भूमध्य रेखी हवाएं तेज हो जाती है और समुद्र की सतह की धाराओं को बदल देती है। समुद्र की गहराई का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिससे उठने वाली ठंडी हवाएं लगातार चलती है और यह स्थिति जाड़े के मौसम में अधिक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।